सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोहतक के हॉकी खिलाड़ी को किया गया सम्मानित। अंडर 23 भारतीय हॉकी टीम में शामिल था सोम जी। सतीश नांदल ने कहा, ये हम सभी के लिए गर्व की बात। रोहतक के नांदल भवन में हॉकी खिलाड़ी सोमजीत के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इनेलो के जिला अध्यक्ष सतीश नांदल ने शिरकत की और सोमजीत को सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हॉकी खिलाड़ी सोमजीत ने कहा कि वो आगे भी प्रदेश के लिए और मेडल लाएगा। हमारा यह थर्ड प्लेस का मैच बेल्जियम से हुआ था, जिसमें हम 2-1 से विजयी रहे। आई होप आगे हम अच्छा करेंगे और फाइनल खेलेंगे। वो बेल्जियम के साथ था हमारा, 2-1 से जीते, जो कि हमने लास्ट की मिनटों में कुछ डेढ़ मिनट बची हुई थी उसमें स्कोर किया। काफ़ी अच्छा लगा लास्ट मिनटों में। यही है कि मैं देश के लिए और ओलंपिक वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा खेलूँ, देश को और मेडल दिलाऊँ। वही सतीश नांदल ने कहा कि गांव के सोमजीत ने देश से लेकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम ने अंडर 23 हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया और इस टीम में सोमजीत भी शामिल था। हम यहां नांदल भवन में एक स्वागत समारोह में पहुंचे हैं। हमारे गांव का हमारा बेटा सोमजीत 8 देशों का बेल्जियम केंद्र हॉकी का टूर्नामेंट था अंडर 23, उसमें भारत को कांस्य पदक मिला है। इसकी मुबारकबाद देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, और हमारे गांव से हमारा बेटा सोमजीत जो इस टीम का सदस्य था, प्लेइंग मेंबर था, ये हमारे लिए, परिवार के लिए और गांव के लिए और जिला रोहतक के लिए बड़े गौरव की बात है। तो उसके स्वागत समारोह में नांदल भवन के अंदर गाँववासी इकट्ठे हुए हैं और बेटे का फूल मालाओं से स्वागत किया है और मन से ये दुआ की है कि आज तो ये अंडर 23 में टीम का हिस्सा बने हैं और कांस्य पदक जीत के आई है टीम। आगे बढ़कर ये भारतीय टीम जो सीनियर टीम है उसमें भाग लें, ओलंपिक में भी भाग लें और टीम हमारी गोल्ड जीत के, ये हमारी शुभकामनाएं बच्चे को।